हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्ट ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जो है क्वार्टर ज्वाइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वार्टर ज्वाइंट पे बेस्ड जो है डियर स्टूडेंट, वो आप लोग को न्यूमेरिकल भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताए थे कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वार्टर ज्वाइंट का न्यूमेरिकल, और क्वार्टर ज्वाइंट जो है वो क्वार्टर ज्वाइंट भी आप लोग को हम बताए थे डियर। तो अब जो है यहाँ पे इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरा ज्वाइंट है डियर। वो दूसरा ज्वाइंट का नाम क्या है? नकल ज्वाइंट। देखिए, क्वार्टर ज्वाइंट के टाइम में आपको बताया था डियर कि क्वार्टर ज्वाइंट जो है आपका, उस पर टेंशन भी अप्लाई किया जाता है, मतलब टेंशन में भी अप्लीकेबल है क्वार्टर ज्वाइंट, एंड ऑल्सो क्वार्टर ज्वाइंट इज अप्लीकेबल फॉर कॉम्प्रेशन, यानी कॉम्प्रेशन के लिए, कॉम्प्रेशन में भी, इन अप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्रेशन या फिर इन अप्लीकेशन ऑफ टेंशन में भी। अब क्वार्टर ज्वाइंट में टेंशन भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉम्प्रेशन भी। जो ज्वाइंट है उसका बहुत सारे एप्लीकेशन है, जिसमें एक होता है क्रॉस हेड, जो स्टीम इंजन का होता है, वहाँ पे जो ज्वाइंट होता है डियर, वो कैसा ज्वाइंट होता है? क्वार्टर ज्वाइंट। क्या बेहतर क्या होता है क्वार्टर ज्वाइंट, आखिर क्यों यूज करते हैं? आप समझ ही सकते हैं कि असेंबल और डिसमेंटल करना जो होता है ना, वो आसान होता है, ठीक है, क्वार्टर ज्वाइंट का। तो आपको जब भी एक पार्ट को दूसरे पार्ट का अलग करना है तो आप उसको डिसमेंटल कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है क्वार्टर में दो पार्ट्स होता है, एक सॉकेट होता है ना, एक आपका स्पीगोट होता है, एक क्वार्टर होता है। चलिए, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं डियर, वो कौन सा ज्वाइंट डिस्कस करेंगे? तो ये ज्वाइंट का नाम है नकल ज्वाइंट डियर। और नकल ज्वाइंट के जो है वो ओनली यूज किया जाता है टेंशन के एप्लीकेशन में, मतलब क्वार्टर ज्वाइंट जैसे कॉम्प्रेशन में भी यूज किया जाता है, उस टाइप से नकल ज्वाइंट को कॉम्प्रेशन में यूज नहीं कर पाएंगे डियर। कारण है कि नकल ज्वाइंट भी डायग्राम बनाएंगे तो आपको बताएंगे, नकल ज्वाइंट में क्या होगा, एंगुलर मोशन भी होता है, एंगुलर डिस्प्लेस कर सकता है। नकल ज्वाइंट में क्या होगा, एक फॉर्क एंड होता है जिसको डबल आई एंड बोलते हैं डियर, और एक होता है आपका सिंगल आई एंड, है ना, सिंगल आई एंड एक होता है जिसको आई नॉर्मली बोलते हैं, एक फॉर्क और आई। फॉर्क मतलब आप समझते हैं, फॉर्क अपना फॉर्क स्पून आप सुने होंगे नाम, जिसे चाउमीन वगैरह खाते हैं, फॉर्क मतलब ऐसा एक होगा डियर, देखिए इस टाइप से होगा, समझिए दोनों उंगली को, है ना, दो उसमें होगा यानी डबल आई होगा, और इसके अंदर में क्या इंसर्ट करवा देंगे, देखिए एक आपका होगा, जैसे देखिए ये उंगली, सपोज कीजिए ये पेन, है ना, ये पेन, और क्या होगा इस टाइप से पकड़े हुए हैं, ये कहाँ से क्या कर सकता है, एंगुलर मोशन भी कर सकता है यानी, और इसके अंदर होल रहता है और एक नकल पिन डाल दिया जाता है, तो एंगुलर मोशन भी कर सकता है, इसको आप खींचेंगे तो टेंशन में, इसीलिए कॉम्प्रेशन में, चूंकि कॉम्प्रेस करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेस कर जाएगा ज्वाइंट आपका, इसीलिए ओनली यूज इन टेंशन एप्लीकेशन, ओनली यूज इन टेंशन एप्लीकेशन। तो डियर, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर नकल ज्वाइंट कैसा दिखता है। लेट्स सी डियर, दिस इज द नकल ज्वाइंट। ये जो नजर आ रहा है डियर, ये आपका कौन सा ज्वाइंट है, देखिए यहाँ पे हेडिंग बना देते हैं, ये नकल ज्वाइंट है डियर, सी है ना, नकल ज्वाइंट, याद रखिएगा, क्वार्टर ज्वाइंट की तरह ही एक ये नकल ज्वाइंट है, बिल्कुल भी वही तो नहीं है नकल ज्वाइंट। ये इतना बात इसमें याद रखना है डियर आपको कि नकल ज्वाइंट ओनली परमिट, ये बात याद रखिएगा, ओनली परमिट टेंसाइल लोड, ओनली परमिट टेंसाइल लोड। अब देखिए क्या आपको कह रहे हैं, तो देखिए इसको ब्लू कलर से दिखाते हैं, ब्लू कलर से हैश कर देते हैं और उसमें के बारे में बताते हैं कि ये क्या है। देखिए ब्लू कलर से दिखा रहे हैं डियर आपको, देखिए ब्लू कलर से हैश किया हुआ है, और एक को हम रेड कलर से हैश कर देते हैं डियर, अब यहाँ पे अब चीजों को समझिए। ये जो है आपका डियर, इसका जो डायमीटर है, इसमें जो सबसे पहले लोड जो लग रहा है वो पी अमाउंट का लोड लग रहा है डियर, दोनों एंड से रॉड का, दोनों एंड से क्या लगेगा, रॉड अब टेंसाइल नेचर का ही लगेगा ऑब्वियस है, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ ये यूज किया जाता है किसमें आपका, टेंसाइल के केस में, है ना, टेंसाइल, तो टेंसाइल टाइप का लगेगा, देखिए पी टेंसाइल नेचर का आपको दिख ही रहा है, और ये जो नजर आ रहा है डियर लास्ट में आपको एक रॉड, इसको रॉड बोलेंगे, इसका क्या है डायमीटर डी है, इसको क्या बोलेंगे डियर, तो इसको आप रॉड बोलेंगे, ठीक है, इधर भी रॉड है, इसका भी डायमीटर कितना है, इसका भी डायमीटर डी है। इसमें आखिर पढ़ना क्या है आपको डियर, जैसे क्वार्टर ज्वाइंट का डिजाइन प्रोसीजर पढ़े थे, वैसे ही मशीन डिजाइन का ये है डियर, तो मशीन डिजाइन में ये इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो क्वार्टर ज्वाइंट के जैसा ही इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नकल ज्वाइंट का डिजाइन प्रोसीजर पढ़ेंगे, है ना, कि आखिरकार नकल ज्वाइंट हमको बनाने के लिए दिया जाएगा एज एन इंजीनियर, तो हम कैसे नकल
नकल ज्वाइंट की डिजाइन करेंगे। आखिर डिजाइन करने में पैरामीटर्स का जरूरत होगा, डायमीटर्स वगैरह का, लेंथ का, ये सब जरूरत होगा, तो वही तो फाइंड करते हैं डिजाइन मीडियम, जो कि यहाँ पे होगा लेट्स सी। अब देखिए क्या होगा, तो इसका डायमीटर डी है आपका डियर। अब आपका और भी है, जैसे कि ये जो है जिसका जरूरत होगा यहाँ पे डियर, ये आपका इसका थिकनेस जो है, सपोज कीजिए टी वन है आपका इसका थिकनेस, और यहाँ भी क्या होगा आपका इसका भी थिकनेस टी वन होगा। ये जो है ये आपका क्या है डियर, तो ये जो दिख रहा है इंसर्ट किया हुआ ये कुछ और नहीं है डियर, नकल पीन है ये नकल पीन इसका नाम होगा, नकल पीन ना। और ये जो दिख रहा है डियर ये कुछ और नहीं है, कॉलर है डियर नकल का, और यहाँ भी जो दिख रहा है ये भी क्या है डियर आपका कॉलर है। और भी चीजें समझिए, जो रेड कलर से दिखाया है ना डियर, जो रेड कलर से, ये आपका क्या है सिंगल आई, इसको बोलेंगे सिंगल आई, ई वाई सिंगल आई, सिंगल आई है ना। और इसको क्या बोलेंगे, देखिए जो इसको बोलेंगे डबल, इसको बोलेंगे, एक को बोलेंगे सिंगल आई डियर और दूसरे को बोलेंगे डबल आई बोल सकते हैं, ठीक है। एंड एंड लिख सकते हैं डबल आई, सिंगल आई एंड या डबल आई एंड। अब देखिए याद रखिएगा डबल आई एंड को जो है एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं फॉर्क, क्योंकि इस ज्वाइंट को फॉर्क आई ज्वाइंट भी बोला जाता है, यानी कि फॉर्क एंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है इसमें, कैसी ये है आखिर, इसको देखेंगे कैसे, समझिए। ये पहले आपको एक तो दिख रहा है क्लियर डियर, ये आपका एक व्यू है जो कि किधर से है, टॉप व्यू, बिल्कुल भी टॉप व्यू को बनाया है हमने, यानी ज्वाइंट ऐसा होता है डियर, ये जो आपको दिख रहा है ना, देखिए ये आपका दो है, दो फॉर्क है डियर, देखिए ये दोनों फॉर्क है और इसके अंदर आई को इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर दोनों में हॉल होता है, ऊपर से क्या डाल देते हैं नकल का पिन, तो बिल्कुल भी दोनों, आप देखिए ये रोटेट भी कर सकता है ना इस टाइप से, आपका क्या करेगा ये, देखिए ये रोटेट भी कर सकता है, ये आपका एक फॉर्क हो गया, इसी फॉर्क को देखिए, ये जो फॉर्क है डियर है ना, इस फॉर्क में क्या आई सिंगल आई को ऐसे इंसर्ट कर दिया गया है डियर, है ना, देख रहे हैं सिंगल आई को इंसर्ट कर दिए। अब उसके बाद इंसर्ट करने के बाद देखिए फॉर्क है, ये फॉर्क है आपका, सिंगल आई इंसर्ट किए, इसको क्या कर सकते हैं आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, और ऊपर से क्या लगा हुआ डियर, तो ऊपर से बिल्कुल भी नकल का पिन लगा हुआ है, नकल का पिन लगा हुआ है, देखिए ऐसा, ठीक है। तो अब इसका डिजाइन करेंगे, तो डिजाइन प्रोसीजर, इसका डिजाइन प्रोसीजर पढ़ना है, सबसे पहले तो रॉड का डिजाइन करेंगे जिसमें डी फाइंड कर सकते हैं आप, है ना। उसके बाद जो है देखिए यहाँ का इसका भी डायमीटर होगा एक्चुअली में, यदि आप इसको, ये क्या होता है यहाँ पे सर्कुलर होगा, ये सर्कुलर टाइप का होता है, रॉड सा होता है डियर, मतलब कैसा होगा तो हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना करके कोशिश करेंगे आपको हम बताएं, ठीक है। तो इसका डिजाइन प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर वहाँ पे जो जरूरत होगा डायग्राम उसको थ्री डायमेंशनल या टू डी से इस चीज़ को हम लोग समझेंगे बेहतर तरीके से। अब देखिए एक बात कि ये यदि ऊपर से आप इसको देखें, ये देखिए ये व्यू आप सामने से देख रहे हैं ना, तो ये सामने से कैसा दिख रहा है, एक लाइन जैसा ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसको ऊपर से आप देखते हैं ना, यहाँ भी ये रॉड है डियर और ऊपर भी ये रॉड है ना, और ये आपका सिंगल आई भी जो है ये भी आपका रॉड है, कहने का मतलब कुछ ऐसा है डियर, आपको ऐसे ही बताते हैं जैसे कुछ इस टाइप से है। देखिए ये आपका एक आई हो गया, इस पर आपका रॉड लगा हुआ है डियर और इसके अंदर क्या किया हुआ, हॉल किया हुआ डियर, कुछ इस टाइप से समथिंग है। ठीक है समझिए, ये आपका है, ये आपका सिंगल आई कुछ इस टाइप से है और ये इसका क्या है थिकनेस, इसका जो थिकनेस है डीएम वो टी है थिकनेस, है ना, सिंगल आई का, और इसको इंसर्ट कर दिया गया। यहाँ का डायमीटर का बात करें तो इसका जो डायमीटर है किसका डायमीटर होगा, पिन का होगा, और पिन डाया जो है वो बराबर होता है, ये लेट कर लीजिए आप, मान लीजिए पिन डाया इज इक्वल टू रॉड डाया, पिन डाया किसके बराबर होता है एक्चुअली में, रॉड डाया के बराबर, तो इसका भी डायमीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा डियर, डी के बराबर ही होगा डायमीटर। और इसका जो एक्सटर्नल ये जो डायमीटर होता है डियर, ये डायमीटर का बात करें तो ये डायमीटर जो होता है इसको नाम दे देंगे क्या, डी वन क्या है, डी वन एक्सटर्नल डाया है ना, डी वन क्या एक्सटर्नल डाया है डियर, ये सब जरूरत है एक्सटर्नल डाया होगा, ठीक है। ये आपका सिंगल आई बना है, यानी कि सिंगल आई एंड बना है, तो सिंगल आई एंड इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ डियर, जो कि इधर से, इसीलिए आपको दिख रहा है ये इधर से क्या होगा, ये ऐसे इंसर्ट किया हुआ है, इसी में क्या है पिन डाला हुआ है। अब ऐसे ही क्या होगा आपका फॉर्क भी होगा, यानी कि फॉर्क का क्या होगा, फॉर्क ऐसा होगा, तो फॉर्क का भी दो होगा इस टाइप से डियर, है ना, एक आपका कहाँ पे होगा, एक ऊपर में होगा, देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं फॉर्क एंड ऐसा ही होगा ना डियर, बिल्कुल भी समझने के लिए कुछ ऐसा होगा डियर,
बिल्कुल भी 100% थ्री डायमेंशनल बोर्ड पे आप चीजें वैसे समझे। और इसी के अंदर क्या इंसर्ट किया हुआ है बच्चे, इसी के अंदर जो इंसर्ट किया हुआ है वो क्या इंसर्ट किया हुआ है, पिन इंसर्ट किया हुआ है। और फिर ये जो है इसको आप यहीं पे इंसर्ट किया हुआ है पिन डाल दिए तो बिल्कुल भी एंगुलर मूवमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यानी ये जो डायग्राम में दिख रहा है डियर, ये जो डायग्राम में रफ टाइप का, ये कुछ और नहीं है डियर, ये फॉर्क है। और ये आई है सिंगल आई, और ये डबल आई क्यों, चूंकि डबल आई है इसीलिए डबल आई बोला गया। आंख क्यों बोला गया, राउंड राउंड सा होता है ना आंख जैसा, इसीलिए इसका नाम आई बोला गया। तो इसमें जो फेल्योर होगा डियर, उसको फेल्योर को सबसे पहले यहाँ पे समझिए आप डियर, पूरा मशीन डिजाइन को बिल्कुल भी अंदर से समझना नहीं बच्चे, बिल्कुल भी अच्छा से। तो ये फॉर्क जो यहाँ पे होगा आप समझिए, तो इसमें सबसे पहले यदि हम सिंगल आई का डिजाइन करेंगे रॉड के बाद स्टेप नंबर टू में, तो इसमें क्या क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इससे हो करके ये जो आपका जहाँ पे होल है जिसमें पिन डाला हुआ है, तो इससे होल करके इसका वीकेस्ट सेक्शन यही होगा, यहाँ से बिल्कुल ये दो टुकड़े में डिवाइड हो सकता है। यानी टेंसाइल फेल्योर कंसीडर करें तब एक और क्या कंडीशन हो सकता है कि बिल्कुल यहाँ से पिन वाला जितना होगा यानी डी डायमीटर के बराबर यहाँ से बिल्कुल क्या हो सकता है बाहर निकल सकता है एक स्लैश जैसा, यानी कि एक टुकड़ा यहाँ से बाहर निकल सकता है, डबल सीयरिंग का कॉन्सेप्ट हो सकता है। या फिर पिन जहाँ पे लगा हुआ है डियर, उस पिन वाले एरिया पे लोकलाइज्ड कॉम्प्रेशन के वजह से जो होगा वो क्रशिंग भी जनरेट होगा। यानी आप कहेंगे कि सर इसमें सीयर होगा, क्रशिंग होगा, टेंसाइल होगा, जरा इसमें आए तो क्या होगा डियर, सिमिलर बात, इससे होकर के दो टुकड़े में डिवाइड हो सकता है, यानी वीकेस्ट सेक्शन होगा तो इसका भी टेंसाइल फेल्योर होगा डियर। और उसके बाद क्या होगा आपका, तो इस पोर्शन से ये बाहर निकल सकता है, पिन से होकर के पिन को बिल्कुल भी सीयर ऑफ करते हुए बाहर निकल जाएगा, यानी पिन बिल्कुल भी सेफ रहेगा, ये मटेरियल यहाँ से बिल्कुल भी सीयर ऑफ होकर के फॉर्क ही हमारा बाहर निकल जाएगा डियर टेंशन के केस में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सीयर भी होगा और पिन वाला जो एरिया होगा वहाँ पे क्या होगा आपका क्रशिंग भी होगा, सिमिलरली सीयर क्रशिंग और टेंशन भी इसमें भी वही होगा। यानी थ्री इसमें सिक्स हो गया, एक रॉड का सेवन हो गया। और इसका क्या हो सकता है डियर, तो और आपका क्या हो सकता है, पिन का हम इटसेल्फ डिजाइन करेंगे डियर, तो पिन का क्या डिजाइन होगा, तो पिन में क्या होगा, पिन का सीयर ऑफ हो सकता है बिल्कुल भी, पिन इस प्लेस से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर आने एक पोर्शन जो है T1 थिकनेस का पोर्शन, ये T1 यानी 2 T1 पोर्शन जो है आपका फॉर्क में रहेगा, और एक पोर्शन जो आपका रह सकता है T के वैल्यू के बराबर, यानी क्या होगा T होगा ना, ये थिकनेस के वैल्यू के बराबर ही होगा, ये कहाँ पर रह जाएगा आपका सिंगल आई में रह जाएगा, सिंगल आई में, और ये सीयर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सीयर फेल्योर हो सकता है पिन का। अब यदि एक बात और भी आता है डियर फेल्योर में, कि पिन यदि आपका यदि बिल्कुल भी टाइटली रहेगा, एकदम टाइट रहेगा जो पिन उसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है ना, तो आप टाइट रहेगा तो थोड़ा भी आपको क्या मिलेगा, मतलब स्लैक नहीं होगा, जगह नहीं मिलेगा, तो बैंड नहीं हो पाएगा पिन का, बैंड मतलब कुछ इस टाइप से ऐसा बैंड नहीं। लेकिन सपोज कीजिए कि यदि स्लैक है पिन हमारा लूज है, तो उस कंडीशन में पिन में बैंडिंग भी आएगा, तो हम लोग बैंडिंग को भी देख सकते हैं डियर, ठीक है, यानी बैंडिंग भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन होगा कि यदि पिन आपका क्या रहेगा, स्लैक रहेगा, उस कंडीशन में ही बैंडिंग। तो अब स्टार्ट करते हैं डियर, बिल्कुल मजे यहाँ तक आप समझ लेंगे, हर एक डायग्राम को आप अच्छे से बना लें, सही से आप एकदम हर एक डायग्राम को बना लेंगे बिल्कुल भी। अब यहाँ से जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका डिजाइन प्रोसीजर, है ना जी। तो डिजाइन प्रोसीजर कुछ मिटाते हैं आपका, देखिए डियर आपको इधर ही हम मिटा करके बताते हैं डिजाइन प्रोसीजर, किसका डिजाइन प्रोसीजर, देखिए पूरे को मिटा देते हैं डियर, तभी आपका यहाँ पे पेज चाहिए, डिजाइन प्रोसीजर ऑफ नकल ज्वाइंट, ठीक है डियर। देखिए यहाँ पे हम हेडिंग बना दिए डिजाइन प्रोसीजर ऑफ नकल ज्वाइंट मैरिज, डिजाइन प्रोसीजर ऑफ नकल ज्वाइंट, जिसमें से सबसे पहला होगा स्टेप वन, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं डियर हम लोग, है ना, आगे भी पढ़ते हैं क्वार्टर में। तो स्टेप वन में क्या होगा आपका, तो स्टेप वन में जो होगा डियर वो स्टेप वन में क्या करेंगे, तो स्टेप वन में डिजाइन ऑफ, देखिए क्या डिजाइन ऑफ किसका, रॉड का, रॉड का डिजाइन जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कंसीडर कर लीजिए आप टेंसाइल फेल्योर, कारण टेंशन लग रहा है, कंप्रेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे कंसीडरिंग दी टेंसाइल फेल्योर, जब कंसीडरिंग टेंसाइल फेल्योर कंसीडर करेंगे डियर, रॉड को आप साइड से देखिएगा तो बिल्कुल भी कैसा दिखेगा उसका क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा, इसका डायमीटर कितना होगा रॉड का,
तो आप कहेंगे सर डी डायमीटर तो आप माने ही है, तो यहाँ से जो एरिया निकलेगा जिसको बोलते हैं आप लोग रजिस्टिंग एरिया, तो कितना निकलेगा, बहुत ही आसान है ना, इतना निकलेगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सिग्मा टी यदि टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू होगा सिग्मा टी, तो सिग्मा टी का वैल्यू कितना आएगा, तो सिग्मा टी का वैल्यू लोड अपॉन पाई बाई फोर डी स्क्वायर। यहाँ से आप पी निकाल सकते हैं, जिसको पी को क्या बोला जाता है, डियर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी, कि कितना लोड कैरी कर सकता है, तो पी ही तो बतलाएगा, यानी लोड कैरिंग कैपेसिटी को ही क्या बतलाते हैं डियर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ आपसे पूछा जाएगा, तो स्ट्रेंथ कितना होगा, यानी सिग्मा टी यदि मालूम हो तो आप उसका स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि इतना। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमीटर, फ्रॉम हियर या फ्रॉम दिस सिचुएशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमीटर व्हेन यू हैव सिग्मा टी इज गिवन एंड टी इज गिवन, देन यू कैन फाइंड इजीली द वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ रॉड। यानी कि डिजाइन कर रहे हैं तो डायमीटर रॉड का निकल गया, खुशी से पागल हो गए, रॉड इतना का हो का, है ना। यदि सिग्मा टी आपका परमिसिबल गिवन है डियर, कि इतना परमिट करेगा ये मटेरियल जिस मटेरियल से आप डिजाइन कर रहे हैं रॉड, इसमें स्ट्रेस जो होगा टेंसाइल स्ट्रेस वो इतना होगा, गिवन होगा, तो उस कंडीशन में बता सकते हैं डायमीटर कितना होगा। चलिए अगला स्टेप क्या होगा डियर, तो सेकंड स्टेप यहां से फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप आपका स्टेप नंबर 2 में होगा डिजाइन ऑफ आई। स्टेप टू में क्या करेंगे, किसका डिजाइन, तो डिजाइन ऑफ सिंगल, देखिए सिंगल लिखना ज्यादा अच्छा होगा, सिंगल आई एंड का डिजाइन। जब सिंगल आई एंड का डिजाइन दिया, कंसीडरिंग द टेंसाइल वैल्यू कहां से, तो देखिए वीकेस्ट सेक्शन से, ये बात भी बताए हमें वीकेस्ट सेक्शन से। अब देखिए अब आइए आई सिंगल आई, तो सिंगल आई डायग्राम में अपने कॉपी में देखिए सारे अब उसका थ्री डायमेंशन यदि बनाएंगे लिए तो कैसा होगा। अब कहेंगे सर कुछ इस तरीके से होगा, यदि मैं ऐसे ही समझने के लिए बना कुछ ऐसा होगा ना डियर, है कि नहीं डियर, ऐसा ही ठीक है डियर। यहां से क्या होगा आपका, तो यहां से आपका जो होगा और रॉड होगा आपका, जिसपे क्या लग रहा है लोड आपका, पी लोड लग रहा है, ऐसा कुछ होगा डियर, मान लीजिए है ना। तो इसमें जो ए वाला वैल्यू गिवन है डियर, ये कितना है गिवन है आपका, ये टी है। आप कंसीडर कीजिए लेट टी इज द थिकनेस ऑफ सिंगल आई का थिकनेस मोटाई जो है वो टी है। अब यहाँ से जो है ये आपका बिल्कुल भी ऐसा होगा डियर, है ना, लगभग थ्री डायमेंशन ऐसा होगा। अब इसका वीकेस्ट सेक्शन कौन होगा, यदि इसको हम खींचेंगे तो ये आपका वीकेस्ट सेक्शन होगा, तो इस क्रॉस सेक्शन से क्या होगा, ये बिल्कुल ही इस क्रॉस सेक्शन से अलग हो जाएगा दो टुकड़े में। तो दो टुकड़े में जब अलग होगा डियर, तो कैसा दिखेगा दो टुकड़ा इसका आपका, तो दो टुकड़ा कुछ इस तरीके से दिखेगा डियर, देखिए लगभग कुछ इस टाइप से होगा कि नहीं होगा बच्चे, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए ये दो टुकड़ा में मतलब यहाँ से निकल गया, ये कट होकर के निकल गया डियर, तो ये आप समझिए ये जो होगा आपका, यहाँ से इस बात को समझिए डियर, ये जो आपको रेड से दिखा रहे हैं, दिस वन इज योर क्या होगा, दिस वन इज योर प्रोजेक्टेड एरिया, यही क्या होगा डियर आपका प्रोजेक्टेड एरिया या फिर नॉर्मल एरिया होगा, क्योंकि लोड के लिए क्या दिखेगा नॉर्मल, यानी इसी को आप कह सकते हैं दिस वन इज योर प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया होगा, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप रजिस्टिंग एरिया, आर ए का मतलब रजिस्टिंग एरिया। तो कैसे निकलेगा, अभी आपको बताए थे इसका डायमीटर कितना है डी वन, बाहर का डायमीटर डी वन लिया गया और अंदर का डायमीटर कितना डी है जो कि पिन का डायमीटर है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, तो इस एरिया को यदि आप निकालना चाहें तो आप समझिए डी वन को डी से यदि घटा दें, यानी डी वन में डी वन का वैल्यू को घटा दें, तो ये दोनों एरिया इंक्लूड हो जाएगा, और फिर डी से क्या मल्टीप्लाई कर दें, इसमें डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यदि रजिस्टिंग एरिया का वैल्यू का बात किया जाएगा डियर, तो बताइए क्या ऐसा होगा कि डी वन माइनस डी, डी वन में डी को घटाए तो ये दोनों निकल गया वैल्यू आपका, है ना, क्योंकि इसका थिकनेस कितना होगा, थिकनेस कितना दिखा दें, तो थिकनेस का जो वैल्यू होगा डियर ये होगा आपका क्या, थिकनेस ये होगा डी, डी मतलब थिकनेस होगा ये, तो ये वाला जो वैल्यू होगा डियर, यानी कि यहाँ से आपको दिखाते हैं ऐसे, ये वाला वैल्यू देखिए ये वैल्यू जो होगा यहाँ से यहाँ, ये वैल्यू कितना होगा, तो ये वैल्यू जो होगा डियर, सॉरी ये वैल्यू नहीं, हाँ इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू कितना होगा डियर, सॉरी ये वैल्यू नहीं, ये वाला वैल्यू डियर,
ये वैल्यू आपका कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ ये कितना होगा, तो ये कितना होगा ठीक है। तो आप कहेंगे सर डी वन माइनस डी डिवाइडेड बाई टू होगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा डी वन माइनस डी डिवाइडेड बाई टू होगा ठीक है। यहाँ भी यदि बात करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, आप बोलेंगे सर ये भी होगा डी वन माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। जब दोनों को जोड़ देंगे ठीक है, तो डी वन माइनस डी होगा कि नहीं होगा, हाफ में हाफ को जोड़ेंगे तो वन होगा, एंड क्या हो जाएगा ठीक है, इंटू टी हो जाएगा थिकनेस के बराबर ठीक है, इंटू टी। तो ये हो गया आपका रजिस्टिंग एरिया। सो यदि आपसे पूछा जाएगा सिग्मा टी जो कि परमिशिबल होता है गिवन होगा, तो क्या लिखेंगे, पी अपॉन रजिस्टिंग एरिया जो कि कितना हुआ डी वन माइनस डी इंटू टी। यहाँ से आप डी वन का वैल्यू बिल्कुल भी फाइंड कर सकते हैं, टी का जो वैल्यू होता है लगभग 1.25 इंटू टी। ये इंपेरिकल रिलेशन है, ये क्या है आपका इंपेरिकल रिलेशन है। यहाँ के बाद जो होगा नेक्स्ट स्टेप, आप अच्छे से आप बिल्कुल भी थ्री डायमेंशन से समझेंगे, इसके बाद अब आपका क्या हो सकता है, तो इसके बाद इसको मिटाते हैं। अब दिखाते हैं बी नंबर, बी में क्या होगा आपका, तो बी नंबर में होगा जब आप कंसीडरिंग की टेंस आर फैल्योर नीड है, इसी में भी रहेंगे, लेकिन अब जो होगा ये क्रसिंग फैल्योर कंसिडर यदि करेंगे, क्रसिंग फैल्योर ये सब मिटा दीजिए। क्रसिंग फैल्योर कहाँ पे होगा, तो आप कहेंगे नकल पिन में होगा, नकल पिन सेक्शन में, नकल पिन का सेक्शन में होगा, तो नकल पिन का सेक्शन में होगा। देखिए यहाँ से ये सब चीजें को प्रीवियस वाला है डियर, इसको मिटाते हैं और इसी डायग्राम से हम चीजों को समझते हैं थोड़ा, इसी डायग्राम से ये सब प्रीवियस वाला को मिटा देते हैं डियर, इसी डायग्राम से आप समझते हैं क्रशिंग, क्योंकि उसी में हम लोग क्रशिंग कहाँ पे होगा, तो इसमें पिन डाला हुआ है ना डियर, तो पिन डाला हुआ है तो क्रसिंग का प्रोजेक्टेड एरिया का बात करेंगे, यहाँ पे पिन डाला हुआ है तो पिन जब डाला हुआ है पिन का एरिया होगा, तो प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ का क्या होगा आपका, प्रोजेक्टेड एरिया तो प्रोजेक्टेड एरिया कैसा होगा, आप बोलेंगे सर यहाँ से कट कर देंगे तो जो प्रोजेक्टेड एरिया हमको मिलेगा वो बिल्कुल भी कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए आप यहाँ पे एरिया बना दें तो ये होगा डियर ये पिन वाला एरिया होगा, ये एरिया होगा क्रसिंग का है ना, ये पिन का ये डायमीटर कितना होगा, ये आपका डायमीटर होगा डी वन और ये डायमीटर कितना था, तो ये डायमीटर डी था और इसका ये क्या था ये, तो ये थिकनेस था आपका ठीक है, ये थिकनेस था। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो होगा इसी एरिया पे जो होगा वो हमारा क्रशिंग एरिया होगा, इसी एरिया पे क्या होगा क्रशिंग एरिया बिल्कुल भी। अब यहाँ से देखिए ये डी वन और ये क्या होगा डी, तो डी एरिया और इंटू डी थिकनेस उतना ही में आपका क्रशिंग होगा प्रोजेक्ट, तो क्रशिंग एरिया बराबर क्या होगा बहुत ही आसान डी इंटू टी, जी इंटू टी क्या होगा डी क्रशिंग एरिया होगा, इतना तो आसान हो गया आपका। तो क्रशिंग एरिया आपको जब पता चल गया तो इसलिए आप फाइंड कर सकते हैं क्या सिग्मा सी के यदि आपका दिया हुआ हो परमिशिबल क्रशिंग स्ट्रेस का वैल्यू है ना, तो आप क्या कर सकते हैं लोड अपॉन क्रशिंग एरिया जो कि क्या होगा डी इंटू टी होगा, डी इंटू टी। तो यहाँ से डी यदि आप पहले फाइंड कर लिए तो यहाँ से आप चाहे और ये यहाँ से क्या हो जाए बाहर निकल जाए, एक ये पॉसिबिलिटी है ठीक है, पिन यहीं पे रह जाए बिल्कुल भी पिन ऐसा ही रह जाए लेकिन ये एरिया इसका निकल करके बाहर। तो चलिए इसको निरेश करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं एक और जो कि सीयर स्ट्रेस का ना, सीयर देखिए यहाँ पे जैसा था वैसे ही। अब देखिए इसको क्या करते हैं डियर, अब इसी में आपका सी पॉइंट इसी में करते हैं सियरिंग फैल्योर, कैसा कंसिडर कर दीजिए सियरिंग फैल्योर, नकल के सेक्शन में नहीं ये सब मिटा दीजिए सियरिंग फैल्योर। तो अब ध्यान से देखिए सियरिंग फैल्योर कितने का हो सकता है, यहाँ से टी को मिटाते हैं इधर दिखा देते हैं, देखिए ये भी क्या होगा डियर ये टी ही तो होगा। सियरिंग फैल्योर कहाँ से होगा, ध्यान से ये जो पोर्शन होगा ये पोर्शन से क्या हो जाएगा ये सियर ऑफ हो जाएगा, इसी पोर्शन से आपका सियर ऑफ सेक्शन है डियर, सियर ऑफ सेक्शन है यहाँ से डबल सियर। जब यहाँ से ये सियर ऑफ होगा तो सियर ऑफ होने के बाद कैसा होगा, तो कुछ आप कह सकते हैं क्या कि ऐसा आपका राउंड सा कटेगा ना, राउंड सा ऐसा आपका दिखेगा इस टाइप से दिया, यहाँ पे एक आपका क्या होगा तो एक आपका यहाँ पे एरिया होगा डियर, बिल्कुल भी एरिया होगा यहाँ पे है ना ऊपर से यदि आप बात करें, और ये क्या होगा पीछे भी नहीं होगा, अरे यहाँ से शेयरिंग ऑफ होगा तो शेयरिंग ऑफ होने के बाद जो होगा डियर वो शेयरिंग ऑफ होने के बाद यहाँ पे एरिया बनेगा है ना अंदर से एक स्लैश जैसा, जो कि एरिया का वैल्यू कितना होगा देखिए, तो
कुछ इस तरीके से भी है, ये आपका एरिया होगा है ना, सीयर ऑफ होगा तो यहाँ से, और ऐसा ही क्या होगा एरिया नीचे भी होगा, लेकिन डबल सीयर का कॉन्सेप्ट होगा ये। तो देखिए डबल सीयर हो रहा है ना यहाँ पे, तो डबल सीयर का कॉन्सेप्ट समझिए आप, डी वन होगा और डी वन में क्या माइनस करेंगे, डी वन माइनस डी, तो डी वन माइनस डी में क्या होगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों निकलेगा, यानी कि आप यहाँ से बात करें भैया तो सीयरिंग एरिया, सीयरिंग एरिया बराबर कितना होगा, तो सीयरिंग एरिया बराबर होगा डी वन माइनस डी नंबर टू, क्योंकि एक एरिया यहाँ पे, यहाँ का वैल्यू बात करेंगे तो, और ये जो हो गया है डी डी वन माइनस डी डिवाइडेड बाई टू, ये एक प्लेस का एरिया निकला है, जैसे देखिए डी वन माइनस डी डिवाइडेड बाई टू, तो एक जगह का एरिया निकल गया एक, यानी कि इसका थिकनेस का ये वाला वैल्यू बात करें ये कितना हो गया, ये जो वैल्यू हुआ है यही वैल्यू हुआ है आपका कितना, तो ये वैल्यू हो गया है डी वन माइनस डी डिवाइडेड बाई टू, और ये वाला वैल्यू कितना है, तो ये इसका थिकनेस के बराबर होगा। अब ऐसा ही एरिया यहाँ से भी तो बाहर निकला है ना, एक यहाँ से एरिया स्लाइस हो सर, एक यहाँ से, यानी कि यदि बात करें तो कुछ इस टाइप से हुआ है, एक ऊपर से आपका बाहर निकला है ना, और एक आपका नीचे से भी तो बाहर निकला है, नीचे से भी बाहर निकला है, दो दो एरिया होगा, तो दो दो एरिया होगा, एक ये वैल्यू जो हो गया आपका वो डी वन माइनस डी डिवाइडेड बाई टू, यहाँ भी वैल्यू कितना होगा डी वन माइनस डी डिवाइडेड बाई टू, लेकिन ये वाला वैल्यू कितना है डी, ये टी, और ये भी वैल्यू कितना है डी टी। तो यदि एरिया का बात करेंगे एरिया का, तो एरिया का वैल्यू कितना होगा डी वन माइनस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू क्या होगा टी, इंटू इसमें कितना होगा टी, लेकिन डबल सीयर का कॉन्सेप्ट इसमें टू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है डियर ये किसका कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका डबल सीयर का कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, डबल सीयर का। तो यहाँ से आप कहेंगे सर टू और टू नलिफाइन हो जाएगा, मतलब बचेगा डी वन माइनस डी इंटू क्या बचेगा टी, ये सीयरिंग सीयरिंग एरिया का वैल्यू है डियर, ये सीयरिंग डी वन माइनस डी इंटू टी सीयरिंग एरिया का। सो जब सीयरिंग एरिया आपको पता चल जाएगा, सो आप कर सकते हैं क्या, टॉ बराबर पी डिवाइडेड बाई डी वन माइनस डी इंटू टी है ना, यहाँ से आप जो भी वैल्यू आपका नोन रहेगा, तभी जो भी वैल्यू नोन होगा उस वैल्यू को आप यहाँ से बिल्कुल भी आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल भी आसानी से इस चीज़ को आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। तो आपका ये सी वाला भी पॉइंट हो गया डी वन माइनस डी, इसको आप और भी दिखा सकते थे, जैसे देखिए ऐसे भी बता सकते हैं, समझने के लिए बहुत सारा था, एक तो हो गया आपका एक क्लियर वे में बता सकते हैं ये क्या हो गया डी वन, और ये क्या था पोर्शन, ये पोर्शन था डी वाला, तो सीयरिंग पोर्शन कौन सा होगा, तो सीयरिंग जो ऑफ होगा ये बिल्कुल भी ये पोर्शन सीयरिंग ऑफ होगा, तो ये एरिया कितना होगा, तो ये रेड वाला एरिया का बात करेंगे, यानी रेड एरिया यदि आपसे पूछेगा रेड एरिया कितना होगा डी वन माइनस डी होगा, मतलब इसका थिकनेस मालूम होती तो कितना होगा तीन से होगा, वही बात लिखे हैं डियर, वही बात हम उसको जैसे भी समझे। अब यहाँ तक जो हमारा है वो बिल्कुल भी मजे मजे में हम लोग थ्री डायमेंशनल डायग्राम से भी आप समझ के विजुअलाइजेशन आपका होना चाहिए डियर, ये बिल्कुल भी देखिए क्या था, और बाहर निकल गया तो दो दो एरिया होगा, दो दो एरिया देखिए इस टाइप से होगा ना, दो दो एरिया से बाहर, तो दो दो एरिया का दोनों का वैल्यू आपको दो से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया। अब जो नेक्स्ट हमारा होने वाला है वो नेक्स्ट क्या होगा आपका, तो इसमें तो तीन हो गया, डिजाइन ऑफ फॉर्क करेंगे है ना, क्योंकि ये आप डायग्राम भी आपका वर्क नहीं करेगा, डिजाइन ऑफ फॉर्क। अब स्टेप नंबर स्टेप थ्री का बात करते हैं, किसका डिजाइन, तो डिजाइन ऑफ फॉर्क एंड, फॉर्क एंड बोलिए डिजाइन है ना, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डबल आई एंड, दोनों चीज़ है। तो इसमें क्या होगा स्टेप में, इसमें तीन कंसीडर होगा, एक बार फिर से वैसे ही सिमिलर टेंसाइल, और फिर सिमिलरली देखिए एक बात आप वेट कीजिए थोड़ा सा, आपको हम ये नकल ज्वाइंट एक शॉर्टकट तरीके से भी बताएंगे फार्मूला याद रखने का तरीका, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ए में तो कंसीडरिंग दी, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसीडरिंग दी फिर से वैसा ही एक बार टेंसाइल फैलू, टेंसाइल फैलू, कंसीडरिंग दी टेंसाइल फैलू कहाँ से, तो देखिए ये बात याद रखिएगा, जब भी होगा तो वीकेस्ट सेक्शन से भी होगा, किसी का भी बात है वीकेस्ट सेक्शन से ही होगा। तो फॉर्क को यदि बना के लिए फॉर्क आपको बनाने का कोशिश करते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा और भी इसको ऐसे बनाएंगे आप, ये ठीक है, और यहाँ से फिर
क्या होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। अब समझने के लिए काफ़ी है, समझने के लिए चीज़ों को समझिए आप, ऐसा कुछ बनेगा जो कि स्टार्टिंग में बताए थे वैसे भी आप समझिए। अब यहाँ पे क्या होगा बेटिया, तो इसी में क्या डाला हुआ है आपका, पिन डाला हुआ है, अब समझ लीजिए इसी में क्या आपका पिन डाला हुआ है ना, इधर से रॉड कनेक्टेड है और इसी के अंदर इंसर्ट क्या किया हुआ डियर आपका सिंगल आई, तो इसका यही तो होगा वीकेस्ट सेक्शन, वीकेस्ट सेक्शन यही होगा कि नहीं होगा, ये जो दिख रहा है यही होगा वीकेस्ट सेक्शन। तो यहाँ से जब ये कट होगा तो कट होने के बाद क्या होगा, तो समझिए एक आई और दूसरा आई, इतना बात समझिएगा आसान तरीके से। तो सिंगल आई को यदि आप समझें तो सिंगल आई कैसा दिखेगा, सिंगल आई कट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सिंगल आई जब कट होगा कुछ इस टाइप से दिखेगा, लेकिन यानी ये वाला एरिया होगा सिंगल आई, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, दिया यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हमको जरूरत है समझने का, ज्यादा इसको लेती भी नहीं करना है डियर। ऐसा होगा दोनों प्लेसेस में, ऐसे ही होगा, यहाँ से ऐसे कट होकर के इधर से आया होगा है ना, और ये आपका यहाँ से आपका ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ऐसे समझिए। तो जब ये इस प्लेस से यहाँ से कट हुआ तो ऐसा दिखेगा, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका भी जो डायमीटर होता है डियर, इसका भी जो डायमीटर होता है एक्सटर्नल डायमीटर, ये सेम होता है डी वन, यानी इसका भी कितना होगा, इसका भी होता है सेम होता है डी वन, और अंदर का डायमीटर तो डी के बराबर ही होगा चूंकि पिन तो डाला गया है ना इसमें। तो इस एरिया का बात करेंगे तो ये एरिया कितना होगा, तो ये एरिया आप समझ ही सकते हैं कि एक आई सिंगल आई और सिंगल आई, तो सिंगल आई में डबल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंगल आई का कैसे निकालते थे आप, तो सिंगल आई निकालने में क्या करते थे, तो सिंगल आई का क्या कॉन्सेप्ट था, देखिए यहाँ पे बता रहे थे फिर से, सिंगल आई का क्या कॉन्सेप्ट था बच्चे, तो देखिए ये वाला एरिया आप निकालते हैं तो क्या करते थे, तो आप डी वन था ये, और ये क्या था डी, और ये क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए टी वन होगा, चूंकि इसका जो थिकनेस होता है ना डी, ये थिकनेस टी नहीं होता है टी वन, और याद रखिएगा टी वन का जो इंपेरिकल रिलेशन होता है 0.57 डी, जैसे उसका हो रहा था 1.25 डी ऐसा। तो इस एरिया को जो हैश किया हुआ है, जो कलर किया हुआ है, उस एरिया को कैसे निकालेंगे आप, तो डी वन माइनस डी इंटू क्या कर देंगे टी वन, लेकिन ऐसा ही एरिया डबल होगा है ना, दो जगह पे होगा तो डबल होगा, यानी यहाँ पे जो होगा ये इतना एरिया होगा और यहाँ पे भी इतना ही, तो उसे क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक आसान तरीका हो गया है ना, आसान तरीका होगा। तो इसलिए आप कर सकते हैं सिग्मा टी जो परमिशन का वैल्यू होगा पी डिवाइडेड बाय, अपने कॉपी में अच्छे से लिखो बच्चे, पी डिवाइडेड बाय एरिया कितना होगा डी वन माइनस डी इंटू टी वन, लेकिन एक चीज मत भूलिएगा टू से मल्टीप्लाई कर, क्यों टू से मल्टीप्लाई करना, अब यहाँ से जो वैल्यू नोन होगा उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर लेंगे। टू का मतलब हुआ डबल आई है, आप समझिए टू जो है टू यूज किया गया है फोर डबल आई, आप ऐसे भी समझे बात को तो चलेगा, फोर डबल आई, सिंगल आई के लिए टू नहीं होता था, डबल आई में यही याद करने का तरीका है यस, कि सिंगल आई का आप समझ गए तो डबल आई में शेयरिंग में भी सेम फॉर्मूला, सिर्फ टू से मल्टीप्लाई कर देना, थिकनेस सिर्फ अलग कर देना, डिफरेंट क्रशिंग फैन, चलिए इसको मिटा देते हैं, ये एक डायग्राम मिटाते हैं, ये क्रशिंग फैन ये सब चीज़ मिटा देते हैं, तो क्रशिंग कितने में होगा उस बात को आप समझिए, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये बी हो जाएगा है ना, कंसीडरिंग दी क्रशिंग फैल्यू, क्रशिंग फैल्यू है ना बी, तो क्रशिंग फैल्यू में कितना होगा डी, तो क्रशिंग फैल्यू कहाँ पे होगा, तो क्रशिंग फैल्यूर का एरिया यदि बात करें तो पिन के पास सिर्फ होगा, तो यदि उसका एरिया हम ड्रॉ करके देखें ऐसे कैसे होगा, ये वाला जो एरिया होगा जिसमें पिन लगा होगा, एक और भी होगा ना एक सिंगल फॉर्म के लिए, सॉरी सिंगल आई के लिए, डबल आई है ऊपर के लिए ऊपर नीचे के लिए नीचे, तो ये एरिया, तो एरिया का वैल्यू कितना होगा, ये कितना होता है, ये तो बार बार देखते डी वन होता है, ये कितना होता है डी, ऐसे ही ये भी कितना होता है, ये भी डी वन और ये कितना होता है, ये डी के बराबर, लेकिन थिकनेस कितना होता है डी वन के बराबर, और ये भी थिकनेस T1 के बराबर। तो यहाँ से एरिया का बात करें तो यदि हम क्रशिंग एरिया का बात करेंगे, जैसे देखिए ये जो है दिस टू आर क्रशिंग एरिया, तो क्रशिंग एरिया का वैल्यू कितना होगा, क्रशिंग एरिया बराबर कितना होगा टू इंटू है ना, एक जगह का एरिया कितना होगा डी, तो एक जगह का एरिया होगा डी इंटू T1 होगा सिर्फ डी इंटू T1, तो डी इंटू T1 डी इंटू T1 तो टू डी इंटू T1, इसलिए आप सिग्मा सी के फाइंड करेंगे बच्चे, तो पी डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे टू डी इंटू T1,
यही आपको बता रहे थे बच्चे कि यदि आप सिंगल आई के लिए सीख गए तो सिर्फ टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए और थिकनेस का वैल्यू को चेंज कर दीजिए। यही मजा वाला कॉन्सेप्ट था, यही मजा वाला कॉन्सेप्ट था। अब जो नेक्स्ट है आपका, ठीक है, इसको मूव करते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट जो आपका होगा वो नेक्स्ट कौन सा होगा, तो कंसीडरिंग एसिडिटी सी होगा। इसी में तीन तीन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि तीन पॉसिबिलिटी है डी एन, यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे हैं। तो सारे पॉसिबिलिटी को हम लोग लेते हैं मशीन डी एन में। सियरिंग फैल्यू, तो सियरिंग फैल्यू फिर से वैसे क्यों होगा, सियर ऑफ कहाँ से होगा, ठीक है। तो देखिए ये पोजिशन से आपका क्या हो जाएगा, सियर ऑफ हो जाएगा, ये पोजिशन से सियर ऑफ, यहाँ से आपका सियर ऑफ और यहाँ से आपका सियर ऑफ। तो आप कहेंगे एक सिंगल आई के लिए होता था जैसे, उसमें सिर्फ टू से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंगल आई के लिए जो होता था उसमें कितना होता था, टॉ इज इक्वल टू आद कीजिए पी डिवाइडेड, तो यहाँ पे भी लिखेंगे ना बी वन माइनस बी इंटू क्या लिखेंगे टी वन, अब लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन याद रहे ये यहाँ का निकला है, जब हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों आई का निकल जाएगा यहाँ पे, ये आद का लिखा हुआ है। डी वन माइनस डी कैसे हुआ था वो आपको हम बता चुके हैं। लिया यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा यहीं पे सीयर है ना, डबल सीयर यहीं पे होगा, यहाँ पे डबल सीयर, यानी कि सीयर प्लेन जो होगा वो चार होगा डीएन। तो एक सीयर प्लेन का जो एरिया होता था वो एक सीयर प्लेन, द एरिया ऑफ सिंगल सीयर प्लेन, यदि हम बात करें एरिया ऑफ, तो देखिए कितना हो रहा था सिंगल सीयर प्लेन का, तो सिंगल सीयर प्लेन का मान कितना था, यहाँ का एरिया निकालते एक साइड का कितना निकलता है, डी वन माइनस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू डी वन। यदि डबल का बात करेंगे टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा। अब यहाँ से इसके लिए टू मल्टीप्लाई कर दिया गया, आज रखिएगा टू यहाँ पे डबल सीयर के लिए नहीं है, डबल सीयर के लिए तो हो चुका है टू, ये है आपका डबल आई के लिए है, ये आपका डबल आई के लिए टू है, है ना जी। एरिया जो है एरिया ऑफ सिंगल सीयर इतना होगा, सो फोर डबल सीयर कितना होगा, डबल सीयर, तो डबल सीयर कितना होगा टू, d1 माइनस d डिवाइडेड बाई टू इंटू डी वन, टू टू कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना d1 माइनस d इंटू डी वन बचेगा। तो ये आपका डबल सीयर, यहाँ पे डबल सीयर हो रहा है, याद रखिएगा इस जगह पे भी आपका डबल सीयर है, यहाँ पे भी आपका डबल सीयर है, और यहाँ भी जो आपका है वो कैसा सीयर है, तो यहाँ भी आपका डबल सीयर है, यानी कि डबल सीयर का एरिया इतना, यहाँ भी डबल सीयर का एरिया इतना, तो यानी कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डियर टू से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि टू आई के लिए है मेरे बच्चे। अब यहाँ के बाद हम मजा वाला चीज हमारा हो चुका है, थ्री डायमेंशन को विजुअलाइज कीजिएगा, एक ऊपर में एक आपका डबल सीयर, नीचे में डबल सीयर, तो डबल सीयर के लिए एरिया डी वन, डी वन माइनस डी इंटू डी वन डी एन, जैसे कि आपका आई के लिए क्या था, डी वन माइनस डी इंटू टी था, टी था, टी और टी वन में सिर्फ फर्क है, जो कि टी इज इक्वल टू होता है 1.25 टी, इंपिरिकल रिलेशन एक्सपेरिमेंट है, और टी वन का वैल्यू होता है 0.75 डी होता है टी। चलते हैं हम नेक्स्ट, आपका यहाँ से आपको कुछ बातें पता चल रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अब लास्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ये मान लिए कि जो पिन है एक्चुअली में वो पिन क्या है आपका, बिल्कुल 100% टाइट है। तो जब टाइट होगा तो लास्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, पिन का डिजाइन। अब स्टेप नंबर फोर, डिजाइन ऑफ पिन, डिजाइन ऑफ किसका, डिजाइन ऑफ और कनेडियन, डिजाइन ऑफ क्या होगा पिन। तो डिजाइन ऑफ पिन जब पढ़ेंगे हम लोग, स्टेप नंबर फोर डिजाइन ऑफ पिन, तो पिन को बनाएंगे, तो पिन कैसा होगा, देखिए ये पिन है आपका, ऐसा कुछ पिन है, ऐसा ही था ना, इस टाइप से दोनों का कॉलर था। अब क्या होगा कि देखिए ये पोर्शन जो पिन का होगा ना, पिन का, सो पिन का कौन सा पोर्शन, तो एक यहाँ से आपका अलग हो सकता है, एक यहाँ से, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये पोर्शन में जो है आपका ये पोर्शन में बिल्कुल भी, देखिए ध्यान से, तो इस पोर्शन में आपका क्या है, इस पोर्शन में आपका फॉर्क है एक आपका ना, इस पोर्शन में आपका फॉर्क है डियर, ऐसे समझिए आप। तो आपका पिन का जो सीएर फैल्यूर हो सकता है वो इस जगह से हो सकता है, यहाँ से ये जो दोनों नजर आ रहा है ये क्या नजर आ रहा है, तो सीयर ऑफ प्लेन नजर आ रहा है, सीयर ऑफ प्लेन। तो सीयर ऑफ प्लेन निकालना आसान होगा, अब यदि इसको हम ड्रॉ करें तो कैसा दिखेगा, ये ऊपर में दिख रहा जाएगा डियर, है ना, ऐसा कुछ होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे अलग हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये आपका ऐसा होगा, समथिंग कुछ इस तरीके से होगा, ये दोनों जो होगा ये भी आपका फॉर्क में होगा और ये भी आपका किस में होगा, फॉर्क में होगा,
लेकिन ये पोर्शन किस में होगा, आई में होगा, जिसको सिंगल आई बोल रहे हैं। यदि सीयर ऑफ हो जाएगा तो ठीक है, और कैंसल आउट एक दूसरे को करेगा, शेप हो जाएगा। तो यहाँ से यदि आप निकालें सीयर स्ट्रेस का वैल्यू, तो लोड अपॉन क्या होगा, तो लोड अपॉन देखिए इसमें कितना लोड लग रहा होगा, तो इसमें पी लोड लग रहा है, लेकिन इसमें कितना लोड लग रहा है, तो पी बाई टू, और इसमें भी कितना लग रहा है डियर, पी बाई टू लोड लग रहा है। एक्चुअली में दोनों कंसिडर करेंगे तो पी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सीयरिंग का जो प्रॉब्लम है डबल सीयर सिंगल सीयर ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बेसिक नहीं मशीन डिजाइन में ना पाने का नेचर है। तो पी डिवाइडेड में कितना होगा, एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे सर π/4 डी स्क्वायर होगा, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे डबल सीयर का कॉन्सेप्ट है। देखिए सीयर ऑफ हो रहा है, किसका कॉन्सेप्ट है डी, डबल सीयर हो रहा है, तो डबल सीयर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से। ये टू जो मल्टीप्लाई किया गया है, याद रखिएगा डबल सीयर के लिए, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, दोनों प्लेन, तो यहाँ का पाई बाई फोर डी स्क्वायर और यहाँ का, तो टू से मल्टीप्लाई यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से डियर नकल डिजाइन का पूरा कंप्लीट हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर डिस्कस किए हैं, स्टेप बाय स्टेप एकदम। कितने प्रोसीजर में हुआ, तो आपका 8 कंप्लीट, आपका 8 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। 3 स्टेप आपका सिंगल आई का, 3 स्टेप डबल आई का, और 1 रॉड का, और 1 आपका पिन का। हम मान लिए हैं, कंसिडर कर लिए हैं कि पिन जो है बिल्कुल 100% टाइट है, स्लैब नहीं है। फिर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि दोस्त भी पूरा लेक्चर देख सकें। ये खुश रहें, बहुत ही खुश रहें डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ परफेक्ट ट्यूटोरियल डियर।